बॉबी जहाँ MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं एक नजर आज की बॉलीवुड पर। गुरु रंधावा और पिटबुल का स्लोली स्लोली गाना रिलीज। पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का पंजाबी गाना स्लोली स्लोली आज रिलीज कर दिया गया है। इस गाने में उनके साथ अमेरिकन रैपर पिटबुल नजर आ रहे हैं। दोनों पहली बार साथ काम कर रहे हैं। यह गीत पिटबुल की आवाज के साथ शुरू होता है, जिसमें वह कहते हैं कि भारत से मियामी तक पूरी दुनिया के लिए, और इसके बाद गुरु रंधावा गाने में पंजाबी तड़का लगाते हैं। दोनों की जबरदस्त जुगलबंदी गाने में कमाल की दिखाई दे रही है। बेपनाह प्यार आनंद आहूजा ने जमीन पर बैठकर बांधे पत्नी सोनम कपूर के जूते। अरबाज ने बताया भाई सलमान और उनके विचार वेब सीरीज को लेकर काफी अलग। अरबाज खान ने G5 के नए शो पाइजन से अपना डिजिटल डेब्यू किया है। 19 अप्रैल को मुंबई में इस प्रीमियम को लॉन्च किया गया है। इस सीरीज में अरबाज खान के अलावा रिया सेन भी दिखाई देगी। प्रियंका चोपड़ा को रिप्लेस कर सलमान खान बन सकते हैं सुपर हीरो। जानिए इसका क्या है ये खास प्रोजेक्ट। जानकारी के अनुसार मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फेजी के हवाले किया गया है कि मार्वल कॉमिक्स के किरदार कमाला खान को बड़े पर्दे पर लाने की फिलहाल कोई तैयारी नहीं है। ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा को लेकर कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि वह कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर समेत कई सुपर हीरो वाली फिल्में बना चुकी। मार्वल स्टूडियोज की अगली फिल्म में किसी सुपर हीरो के किरदार में नजर आ सकती है। इस खबर से देसी गर्ल के फैंस बड़े खुश हो गए थे, लेकिन अब ताज़ा खबर ये आ रही है कि मार्वल स्टूडियो की दिलचस्पी प्रियंका में कम और दबंग सलमान खान में ज्यादा है। इसकी वजह प्रियंका की भारत में लगातार गिरती लोकप्रियता मानी जा रही है। गौरतलब है कि एवेंजर सीरीज की फिल्म के निर्देशक जो दूसरों हाल ही में जब भारत आए थे, तब एक खबर बहुत तेजी से उड़ रही थी कि मार्वल स्टूडियो ने अपनी अगली फिल्म में प्रियंका चोपड़ा को लेने का फैसला किया। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही MNS हिंदी का डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।